Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel and welcome to all the new subscribers of my channel. And if you like this video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get all the new videos notifications. Today you are going to explore with me the most entertaining fun of the winter season in Canada, that is sledging. You can say sledging, you can say tobogganing, tubbing, anything. So just begin. कनाडा में तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन एक ये एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कह लीजिए, बहुत ज़्यादा फन, एडवेंचरस, थ्रिलिंग होती है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो जहाँ हम लोग रहते हैं एडमिंटन में, वहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं। अब जैसे ये मैं हिल यहाँ पे आपको लेके जा रही हूँ, ये हिल इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन आइंदा आप आगे और वीडियोस विंटर में जब देखेंगे तो मैं आपको और हिल्स पे लेके जाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, जहाँ पे स्कीइंग भी लोग करते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी दोज वीडियोज़, कीप वॉचिंग। Don't break. The kids are coming. Wait, Suni, Hadia. इस तरफ आ जाओ। हाँ। If you want to do anything or any activity outside, so please be prepared and get dressed properly. क्योंकि विंटर है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए। आपके ग्लव्स, आपके हैट्स, आपके स्नो पैंट्स, जैकेट्स एंड एवरीथिंग। और स्पेशली आपको जब आएँ बाहर कोई एक्टिविटी के लिए, तो टेम्परेचर ज़रूर ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जैसे हमारा टेम्परेचर था वो बहुत अच्छा था। इट्स ऑलमोस्ट -13 और -14 मे बी पॉसिबल। पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे ये तो हमारे लिए बहुत कम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, -13, -14 विंटर में, क्योंकि जब ऑलमोस्ट हमारा -22 या -23 अबव विद विंड चिल होता है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते। इवन स्कूल में भी बच्चों को फिर ब्रेक में बाहर निकलने नहीं देते हैं, अगर अंदर ही इनसाइड ही होती है उनकी फिर ब्रेक भी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहें तो फ्रॉस्ट वाइट हो जाता है। तो जब भी बाहर आउटिंग के लिए निकलें इस विंटर में, स्पेशली इन कनाडा, तो टेम्परेचर ज़रूर देख के निकलें। एनी एक्टिविटी, स्कीइंग हो, आपको स्लेजिंग करनी है, आपको बाइकिंग करनी है, आपको स्केटिंग करनी है, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा -22, -30 तक हो जाता है टेम्परेचर तो सब बंद कर देते हैं।
instead of sitting in front of TV, instead of just playing video games, or just searching for sales at the mall. Outside activity for kids is best. ये एक्टिविटी वीकेंड के लिए बेस्ट होती है क्योंकि नॉर्मली हमें बच्चे ही होते हैं वो घर पे होते हैं स्कूल नहीं जा रहे होते तो दैट इज बेस्ट फॉर वीकेंड आफ्टरनून जस्ट हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन कम टू एनी हिल जो भी आपकी सिटी ऑफ आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं कैनेडा में आपकी सिटी ने एक डेजिग्नेटेड हिल्स बनाई हुई होती हैं स्लेजिंग की वहाँ पे जाइए वहाँ पे इंजॉय कीजिए और घर आके या तो लंच कीजिए या फिर कहीं बाहर आउटसाइड कर दीजिए आजकल लॉकडाउन है हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कहीं भी जाना क्योंकि 25% कैपेसिटी पे रेस्टोरेंट्स तो हैं खुले हुए लेकिन वी आर अवॉइडिंग टू गो एनीवेयर इंस्टेड हम लोग घर पे ही जो है अपनी बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं अपनी बारबेक्यूज कर रहे हैं अपनी ग्रिलिंग कर रहे हैं वॉट एवर जो भी हम लोग कर रहे हैं आजकल इंजॉयमेंट अपने बच्चों के साथ घर पे ही कर रहे हैं क्योंकि ना तो किसी के घर जा सकते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है और रेस्टोरेंट्स में हम लोग खुद नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं किस तरह ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आते हैं पब्लिक है वहाँ पे तो अवॉइड करना चाहिए कुछ दिन की ही बात है अल्लाह करे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सब कुछ तो फिर सब कुछ खुल जाएगा हम लोग सब लोग हर जगह ही जाएंगे फिर उसके बाद तो लेकिन आउटसाइड एक्टिविटी इज़ बेस्ट फॉर दिस टाइम स्पेशली वेयर यू कैन नॉट गो एट एनी वंस हाउस राइट नाउ
करवा रहे हैं। वो फिर भी गिर गई है, वो फिर भी, क्योंकि उसके अंदर अभी कंट्रोल नहीं है, उसको ये नहीं पता ना उसके ब्रेक्स तक पाँव नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, तो वो ब्रेक नहीं लगा पा रही है। It's time to go back home now. पाकिस्तान में रहने वालों ने एक बात तो यहाँ पे नोटिस की होगी, नहीं तो दोबारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कि डस्टबिन्स यहाँ पे हर जगह पे रखे हुए हैं और आपको कहीं पे भी रैपर्स, बॉटल्स, कोई भी चीज़ गार्बेज आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये अवेयरनेस है, कोई यहाँ पे पीस ऑफिसर नहीं खड़े हुए, यहाँ पे कोई RCMP वाले, पुलिस वाले नहीं खड़े हुए, लेकिन ये एक अपने मुल्क से मोहब्बत होती है कि हमें अपना कचरा, अपने गार्बेज जो है वो हमें डस्टबिन में डालना है। हमें अगर डस्टबिन नहीं है तो हम लोग पैक करके अपने शॉपर्स में घर लेके आते हैं और अपने गार्बेज में डालते हैं, अपने घर के गार्बेज में। हम लोग रस्ते में कोई चीज़ नहीं फेंकते। प्लीज़ मैं आप लोगों से, पाकिस्तान में रहने वालों से सबसे ये कहूँगी, आप लोग कहीं भी घूमने जाएँ, कहीं भी इंजॉयमेंट के लिए जाइए, तो अपना गार्बेज जो है वो अपने साथ या तो लेके आइए अगर आपको गार्बेज नज़र नहीं आ रहा है, या फिर उसको आप गार्बेज को ढूंढिए और वहाँ पे फेंकिए। प्लीज़ कहीं इधर उधर जो नज़र आता है वहाँ पे ना डालें। अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए और उसको साफ़ सुथरा रखिए। नाउ अब हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, तो ज़ाहिर है जब घर पे आए हैं तो हॉट चॉकलेट तो मस्ट है। तो हम लोग आजकल बाहर की वैसे हम लोग लेते हैं टिम हॉर्टन्स की, मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में टिम हॉर्टन्स अपना जो मशहूर ज़माना हमारा कैनेडियन टिमीज़। लेकिन राइट नाउ हम घर बच्चों को अपने हॉट चॉकलेट बना के दे रहे हैं और ख़ुद जो है वो कॉफ़ी पियेंगे अपने हस्बैंड के साथ। मैं 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हम लोग बैठ के पियेंगे आराम से और फिर मूवी देखेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि वीकेंड है तो बस यही चलता रहता है हमारा। तो ओके, अब मैं चलती हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी, मूवी देखूँगी और कीप मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कैसी वीडियोज़ देखनी है ये भी कमेंट में बताइए। कनाडा के बारे में कुछ एक्सप्लोर करना है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।